इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते हैं कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी हैं कैश फॉर क्वायरी मामले में। एथिक्स कमेटी का फैसला, एथिक्स कमेटी ने किया निष्कासन की सिफारिश, 6-4 के बहुमत से कमेटी ने किया फैसला। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही हैं कैश फॉर क्वायरी मामले में। एथिक्स कमेटी ने फैसला लिया है, एथिक्स कमेटी ने निष्कासन की सिफारिश की है। देखिए, निष्कासन की सिफारिश की गई है और 6-4 के बहुमत से कमेटी ने फैसला लिया है। दिल्ली से बड़ी खबर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की जो है मुश्किलें फिर बढ़ती हुई दिख रही हैं कैश फॉर क्वायरी मामले में। एथिक्स कमेटी ने फैसला लिया है, एथिक्स कमेटी की ने निष्कासन की सिफारिश की है और 6-4 के बहुमत से कमेटी ने ये फैसला लिया है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको दे रहे हैं, जहां पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही कैश फॉर क्वायरी मामले में। एथिक्स कमेटी का फैसला, एथिक्स कमेटी ने की निष्कासन की सिफारिश। आपको बता दें कि 6-4 के बहुमत से कमेटी ने फैसला किया है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी। कमेटी ने निष्कासन की सिफारिश की है, ये बड़ी जानकारी। इसी के साथ 6-4 के बहुमत से कमेटी ने फैसला किया है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने फैसला लिया, एथिक्स कमेटी ने निष्कासन की सिफारिश की है। इसी के साथ 6-4 के बहुमत से कमेटी ने किया फैसला। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी। इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, एक बार फिर जो है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी, महुआ के खिलाफ जो पैसे लेकर के सवाल पूछने का आरोप था, वो लोकसभा की आचार संहिता के समिति के सामने एक तरह से साबित हो गया है। जो 10 सदस्य थे उनमें से 6 ने उनके खिलाफ वोटिंग की है और उनके निष्कासन की सिफारिश की है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये कठिनाई भरे दिन है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हालांकि इसके पहले अगर याद कीजिए, करीब एक दशक पहले की बात है, एक चैनल ने कुछ सांसदों के खिलाफ इस तरह से स्टिंग किया था और उस स्टिंग में लोग पकड़, मतलब सीधे सवाल नहीं पूछा गया था, बस उन्होंने वादा किया था कि वो पैसे लेकर सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें 11 सांसद थे और 11 में से 6 भारतीय जनता पार्टी के थे और 5 गैर भाजपा, उसमें 5 सांसद कांग्रेस के सांसद थे और सबका निष्कासन हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि कोई नई बात नहीं जा रही है, बस उसी परंपरा का एक तरह से निर्वाह होने जा रहा है। लेकिन अभी इसमें एक पेच है कि आचार समिति के जो अध्यक्ष हैं संसद के शीतकालीन सत्र में, महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो उनकी समिति ने फैसला लिया है, विनोद फोगट के अध्यक्ष हैं, उसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे और उस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद वोटिंग होगी लोकसभा में, और अगर लोकसभा मंजूरी देती है तब जाकर के उनका निष्कासन होगा। ये इसमें एक पेच है, ये देखना होगा हम लोगों। वहीं अगर इस कैश फॉर क्वायरी मामले की अगर बात कर ली जाए, बीजेपी के रुख की अगर बात कर ली जाए, तो किस तरीके का दिख रहा है बीजेपी का? मतलब नहीं समझ पाए आपका सवाल। उमेश जी, जिस तरीके से अगर बीजेपी के रुख की बात कर लीजिए, खासकर निशिकांत दुबे की बात कर लीजिए, जो हमेशा हमलावर दिखते हैं महुआ मोइत्रा पर, किस तरीके का दिख रहा है रुख? नहीं नहीं, निशिकांत दुबे और उनकी तो अदावत पर्सनली दिखती रही है संसद में और उन्होंने उनके सर्टिफिकेट को जाली होने का आरोप लगाया और महुआ मोइत्रा वैसे बहुत ज्यादा मुखर रहती हैं और कुछ बोलती रहती हैं, तो ये तो अदावत बड़ी मशहूर है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मामला नहीं है, ये मामला आप याद कीजिए सामने आया था पैसे लेकर के सवाल पूछने का, ये मामला भी दिखा
भाजपा के सांसद ने नहीं उठाया, बल्कि महुआ मोर्चा के दोस्त रहे एक व्यक्ति ने उठाया जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं, और उसी को निशिकांत दुबे ने आगे बढ़ाया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ये कहना कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा नहीं है। वो महुआ मोहित्रा के जो दोस्त रहे हैं, उनके साथी रहे हैं, क्लोज दोस्त रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया पिछले महीने, और वो सवाल उठाने के बाद उसको शायद 14 अक्टूबर की बात है और 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने उसे लपक लिया और उसको लोकसभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया कि इनका निष्कासन किया जाए, इनकी जांच कराई जाए। तो और उसके बाद आचार समिति ने उसकी जांच जब शुरू की तो उसने आईटी मिनिस्ट्री से, आप देखिए, वो रिपोर्ट मांगी है और उसमें 47 बार उनकी लॉगिन और पासवर्ड से संसद का जो उनका मेल आईडी है उस पर लॉगिन किया गया और वो भी दुबई में। ये अब साबित हो गया, इसको कैसे वो खारिज कर सकती है कि वो भारत में थी और दुबई में लॉगिन हो रहा है। और इसकी जोर है कि भारत की संप्रभुता की गारंटी भारतीय संसद देती है और उस संसद की वो सम्मानित सदस्य हैं, तो एक तरह से वो संसद की उस गरिमा का डेंट भी किया गया है और मुझे लग रहा है कि इसीलिए वो ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद था आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।